नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस पॉडकास्ट नंबर वन में। दोस्तों, मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये उसका पार्ट वन है। आशा करता हूं कि अंत में आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगेगा, सुनकर जानकारी अच्छी लगेगी। और इन पॉडकास्ट में मैं अपनी जो मैंने केसेस सॉल्व किए हैं या मेरे साथ जो आप बीतती घटनाएँ हैं, मैं उनका जिक्र करूँगा। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चालाक जासूस। दोस्तों, एक ऐसी सच्ची घटना है कि मैं उन दिनों अपने कैरियर के बहुत ही एक नए पड़ाव पर था और मैं फॉरेंसिक साइंस को बहुत अच्छी तरह से गहन अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था, और मैंने कुछ ही केसेस सॉल्व किए थे। ये बात रही होगी दोस्तों 2006 या 7 की। उसके बाद जब मैंने ये केसेस लेना स्टार्ट किया, सॉल्व किया, तो वहीं पर मुझे एक जासूस के जरिए, यानी कि एक डिटेक्टिव के जरिए, जो अपने आप को एक्स सीबीआई ऑफिसर बताता था, उसने मुझे केसेस देना चालू किया। ये केसेस दोस्तों होते थे फिंगरप्रिंट के, हैंडराइटिंग के, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के, ऐसे ही अन्य केसेस। तो तकरीबन उस जासूस के लिए मैंने ऐसे ही 7 केसेस सॉल्व किए। बहुत ही डिफ़िकल्ट थे उसके लिए, पर चूंकि मैं फॉरेंसिक में था तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, और इनके चलते ही मैं उनको रिपोर्ट बना के दिया करता था, और जिस रिपोर्ट के चलते वो आगे रिपोर्ट सबमिट कर क्लाइंट से पैसे लिया करते थे और मुझे मेरा मेहनताना दिया करते थे। दोस्तों, काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन एक केस आया और उसने मुझसे कहा कि इस केस में मुझे फिंगरप्रिंट की शिनाख्त करनी है और कंपेयर करना है। एक प्रॉपर्टी पेपर्स का केस था, 2 फर्जी प्रॉपर्टी पेपर्स थे जिनमें से कोई एक सही हो सकता था। दोनों मुझे दिए गए दोस्तों, और जब मैंने देखा तो दोनों पर फिंगरप्रिंट्स थे। उन फिंगरप्रिंट्स का कंपैरिजन मुझे एक से एक का करना था पहले, और दूसरा एक उन्होंने स्पेसिमैन, यानी कि जासूस ने मुझे एक स्पेसिमैन दिया था, मुझे उसकी शिनाख्त करनी थी कि ये दोनों में से कौन सा फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन इससे मिल रहा है। तो दोस्तों, मैंने जब आपस में फिंगरप्रिंट मैच किए तो वो मैच नहीं किए, यानी कि मैच नहीं हुए, और जब मैंने एक स्पेसिमेन से मैच किया तो वो एक फिंगरप्रिंट उनमें से एक प्रॉपर्टी पेपर से मैच हो गया, और मैंने इसी की रिपोर्ट बनाकर दोस्तों उनको दी। रिपोर्ट मिलने के बाद जासूस बहुत खुश था और उसने मुझे मेरा मेहनताना उस समय 15,000 रुपये तकरीबन दिए। मेरे लिए भी ये कोई छोटी रकम ना थी। ठीक है, महीने में 4-5 केस ऐसे ही मिलते थे तो अच्छा लगता था, अच्छी कमाई भी होती थी, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था एक यूनिवर्सिटी में, तो अच्छी खासी कमाई हो रही थी, नाम भी हो रहा था। इसके बाद दोस्तों, जासूस का दूसरे दिन मुझे फ़ोन आता है कि आपने गलत फिंगरप्रिंट्स मैच कर दिए हैं, यानी कि उसकी डिमांड कुछ और थी, वो कुछ और कराना चाहता था, और मुझसे वो बोलता है कि अब मैंने गलत फिंगरप्रिंट्स मैच कर दिए हैं और मुझे ये रिपोर्ट दोबारा बनानी पड़ेगी दूसरे फिंगरप्रिंट के साथ। अब दोस्तों, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत लग चुकी थी, मेरी 3 से 4 दिन की मेहनत थी, पूरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मैंने अपनी आँखें फोड़ी थी एक एक बिंदु को मिलाने में, एक एक पॉइंट्स को मिलाने में, फिर रिपोर्ट बनाने में, मुझे सुनकर बड़ा बुरा लगा कि ये बात इनको पहले बतानी चाहिए थी, इन्होंने पहले नहीं बताई। पर जासूस के काफ़ी आग्रह करने पर मैंने कहा ठीक है, मैं इसको दोबारा करूँगा, पर मेरा मेहनताना, यानी कि मेरी जो मेहनत गई है वो मैं आपको वापस नहीं करूँगा। वो कहता है नहीं, उसी पैसे में आपको ये रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मुझे लगा कि कहीं ये मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रहा, तो मैंने कहा वैसे भी पहले वाली रिपोर्ट में थोड़ी गलती थी, वो आपके किसी काम की नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम समय से ही, समाज से और अपने आसपास होने वाली चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके का खेल उस जासूस ने मेरे साथ खेला, मुझे पहले तो पता नहीं चला कि वो ये खेल खेल रहा है, मुझे पहले तो लगा शायद उससे कोई गलती हुई है, पर जैसे ही उसने कहा कि आपको उसी पैसे में ये रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और पहले वाली रिपोर्ट कोई काम की नहीं है, तो मैंने भी चाल चलते हुए ये कहा हाँ, पहले वाली रिपोर्ट कोई काम की नहीं, क्योंकि उसमें कुछ गलत कंपैरिजन हो गया है,
और वो उल्टा आपके ऊपर आ सकता है, आप ही के ऊपर क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब जासूस दोस्तों कहता है, नहीं मुझे पहली वाली रिपोर्ट भी चाहिए, यानी कि वो पहली वाली रिपोर्ट भी मुझे ठीक करके दीजिए, मुझे उसकी भी ज़रूरत है। मैंने कहा, अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा, नहीं नहीं वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मुझे उसकी भी ज़रूरत है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, मैं समझ गया कैसे मेरे साथ चालाकी की। तो मैंने उससे बोला कि मैं दूसरी रिपोर्ट बनाने के भी उतने ही पैसे लूँगा जितने पहले के। तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो क्लाइंट से ही इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, तो मैं आपको मुश्किल से 10,000 रुपये और दूंगा और आपको मुझे दोनों रिपोर्ट देनी है। दोस्तों आदमी बहुत चालाक था और मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं थी, हालांकि मैंने जब काम हाथ में लिया था तो करना ही था। अब दूसरा काम भी मेरे पास आ ही चुका था, दूसरे फिंगरप्रिंट्स का। तो मैंने जैसे तैसे करके उसको रिपोर्ट बना के दी और उसको मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे और दूसरे केस के लिए। जब उसने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिए दूसरे केस के लिए, उसमें पहले वाले डॉक्यूमेंट्स यानी कि पहले वाला जो केस था उसमें क्लाइंट ने जो उसको पे किया था उसके चेक की कॉपी भी आ गई। जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस क्लाइंट ने उसको इसी केस के 85,000 यानी कि 85,000 रुपीज़ दिए हैं और सारा केस दोस्तों मेरी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था। हालांकि ये कोई मेरा काम नहीं था, वो कितने में डील कर रहा है अपने क्लाइंट से ये उसका काम था, जो मेरी डीलिंग थी वो उससे थी। पर क्योंकि मैं बहुत ही नया था और शायद आप में से भी बहुत से लोग अगर मेरी जगह होते तो उन सबको यही लगता कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैंने उनको बोला कि आपने उनसे इतने पैसे लिए, मुझे इतने कम क्यों दिए जबकि मेरी रिपोर्ट थी ये। तो वो हंसते हुए बोलता है कि ये मेरा और क्लाइंट का मामला है और आप इतने में ही खुश रहिए। दोस्तों बड़ा बुरा लगा, दिल टूटा कि मैंने इतनी मेहनत की और सारी मलाई उन्होंने खाई। अचंभे की बात थी, परेशान मायूस। मैंने सोचा कि अब मैं उस जासूस के लिए और कोई काम नहीं करूंगा। पर दोस्तों यहाँ पर किस्मत का फेर देखिए, जिस क्लाइंट ने उसको वो केस दिया था वही क्लाइंट डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है, मेरा नंबर कहीं से ढूंढकर मुझे मिलता है और एक केस में दूसरी रिपोर्ट बनवाता है। ये रिपोर्ट दोस्तों कोई और नहीं, उस जासूस के खिलाफ थी। उस जासूस ने उससे जालसाजी करके उसको दूसरी रिपोर्ट थमा दी थी जिससे कि वो पकड़ा जा सकता था, यानी कि वो जेल जा सकता था। उसने उससे बचने के लिए एक सिग्नेचर फ्रॉड के केस में दूसरी रिपोर्ट बनवाई और जिसके मैंने काफ़ी अच्छे पैसे चार्ज किए। और वो जासूस की दोस्तों बात खुली, जो अपने आप को सीबीआई का एक्स ऑफिसर बताता था, उसके बारे में सब पता चला, किस तरीके से उसको सीबीआई ने निष्कासित किया था, बाहर निकाला था और किस तरीके से लोगों के साथ वो फ्रॉड करता था। खैर दोस्तों ये एक मेरी आपबीती कहानी थी, हालांकि इसमें मैंने कुछ फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा नहीं दिया आपको, पर मैं अपने अगले पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छी कहानी के साथ आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।